सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यीशु मसीह का राज ऐसा नहीं है, आज आप रात को डिक्लेयर करोगे और कल आपके आपके आंगन में एक पैसों का पेड़ लगा होगा, ऐसा नहीं। जब आप घोषणा करोगे, आपने बीज बो दिया और वो 100% आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं 99.9%, इसलिए जो कंडीशंस मैंने आपको बतानी थी मैंने संडे और थर्सडे बता दी आपको पहले ही। अगर उनको आप फॉलो करते हो, सेवा करते हो, अंगीकार करते हो, कुछ भी प्रभु के लिए रख नहीं छोड़ते, पाप में नहीं रहते हो, मैंने कहा जो आप बोलोगे, जो आप डिक्लेयर करोगे, वो एक बीज है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर का राज्य काली वाला नहीं है, जल्दी वाला नहीं है, हुल्लड़बाजी वाला नहीं है, एकदम से। पाप का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता, कई बार पवित्रताई का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता। यीशु मसीह का इनकार करने के सालों बाद लोगों को सजा मिली और परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है, जिसे लेकर जमीन में बोया गया और वो रात को सोया और जागा और ना जाना कि कब वो बीज फूटा और फल लेके आया। आप जब डिक्लेयर करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, सुनो मेरी बात, ये जो वायरस आया, ये जो मरी आई, ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी और आएंगे। कुछ सालों में पहले स्वाइन फ्लू आया था, सुनते ही लोगों की हड्डियां कांपती थी, स्वाइन फ्लू, मर जाएंगे, मर गए। हाँ, उसका अब नाम नहीं मिल लेता कोई। चैन से जीना चाहते हो, अपना टीवी बंद कर दो, चैन से जियो। आपने जैसे टीवी खोला, हाँ जी, आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना से भारत में दूसरी मौत। सुनो मेरी बात, सीरियस है चीजें, लेकिन डर क्यों डालना है इतना। आप रिपोर्ट पढ़ो, एक मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक रिसर्च है, 1300 लोग रोज कैंसर से मरते हैं, एवरी डे, रोज इंडिया में। आज अगर आज आप वचन सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में 1300 लोग मर रहे हैं कैंसर, मर जाएंगे आज कैंसर से, कल 1300 लोग मर चुके कैंसर से, और कोरोना से हुई भारत में दूसरी मौत। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? टीबी की रिपोर्ट देखेंगे हम। इंडिया मस्ट फाइट टीबी हार्डर एज डिजीज क्लेम्स 1400 एवरी डे, 1400 लोग रोज मरते हैं टीबी से इंडिया में। आप टीबी से डरते नहीं हो, आप कैंसर से डरते नहीं हो? हाँ, देखो बीमारी की सीरियसनेस है, हमें सरकार का साथ देना है, हाथ धो, जो करना है करो, डरो मत, डर गए तो। एक और रिपोर्ट हम पढ़ेंगे हार्ट की, हार्ट डिजीज से 2016 में 28 लाख लोग मरे सिर्फ हार्ट डिजीज से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं, आपके अनुग्रह टीवी पे आप जैसे सुबह खोलो, आज 2000 बंदा मर गया हार्ट अटैक से, आप बोलोगे मेरे भी माड़ी माड़ी हुंदी है, चेक कर आई हूं। आप समझ रहे कि नहीं? 28 लाख कितने, एक साल में। 20,000 रोज एवरेज लगा लो, 20,000 से भी ज्यादा, रोज के 700 लोग मरते हैं रोज के, किससे? हार्ट अटैक से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं सुबह उठ के कि भाई आज 700 बंदा मर गया हार्ट अटैक, और आपके दिल में डाल दूं कि हार्ट अटैक बड़ी तगड़ी बीमारी है, आपको नहीं भी होना होगा हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे मेरी बात, कोरोना वायरस जो है वो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। लोगों को छोले भटूरे ज्यादा खाने की आदत है, फल फ्रूट खाने की आदत नहीं, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, मोबाइल पे ज्यादा रहोगे आपकी इम्यूनिटी लो होगी, छोटे से छोटा वायरस भी ऐसा बन जाएगा।
ये वायरस का पहले नहीं थे। अब अटैक ज्यादा क्यों कर रहे हैं? आपकी इम्यूनिटी लो है, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ना चाहते हो। डरो मत, जो प्रिकॉशंस है उसे लो। कौन मना करता है? हाथ धो कौन मना करता है? फ्रूट्स खाओ कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, लेकिन डरना मना है हमारी लाइफ में। डरना क्या है? मना है। हाँ या ना? रोज 1300-1200 रोज 1400 लोग मर रहे टीबी से, आप उससे डरते नहीं, लेकिन कोरोना से आज भारत में दूसरी मौत वो आपको डरा चुकी है। आपको आप हाथ शेक करने में घबरा रहे हो, कोई करे नाले पचन सहिता कान में, अब क्यों डर लग रहा है? आप डर चुके हो। डरना नहीं, हालेलुया, डरना नहीं। और ये आज निकला वायरस, हम रोज प्रेयर करते हैं भजन संहिता 91 से, एवरी डे। मेरी पर्सनल प्रेयर में एक भजन संहिता 91 है, मेरी पर्सनल, जो मैं अपने लिए करता हूं, उसको पढ़ेंगे। चलो मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं भजन संहिता 91 उसकी एक आयत। इसमें कंडीशन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी पक्का विश्वासी हो, बैप्टिज्म लिया हुआ, नशे छोड़ा हुआ, पूरी तरह से प्रभु का साथ पाया हुआ, कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ यानी एक ऐसा स्थान जहां पे एनमी अंदर आसानी से नहीं घुस सकता। हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, तुझे फेक एजेंट से बचाएगा। हाँ, बहेलिया दाना दिखा के तुझे फंसा लेगा, कहता तू बच जाएगा उससे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। कैंसर ने दिन दुपहरी लोग उजाड़ दिए, टीबी ने उजाड़ दिए, एड्स ने उजाड़ दिए, कोरोना ने लोगों को उजाड़ दिया। कहता ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में तेरे निकट नहीं आएगा। कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब आप युद्ध में जाते थे लोग, तो तीर आते थे तीर हजारों की गिनती में। कहता तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे तीर, पर एक तीर भी तेरे पास ना आए। तेरे इधर 10,000 मरेंगे, इधर 1000 मरते होंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, जाके फिरौन को बोल दे कि तेरे पूरे घराने, तेरे पूरे देश के ऊपर अंधेरा छाया रहेगा, और मेरे इज़राइलियों पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं करेगा, कुत्ता भी भौंकेगा नहीं, लेकिन तेरे देश के ऊपर मरियां आएंगी। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा करो, मेरे नाम का भय मानो, बुराई से अलग रहो, तो जितने रोग और विपत्तियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जितने प्लेग महामारियां उनके ऊपर आई थी, तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगी। रोज सुबह उठ के बोलना है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रोज डिक्लेयर करना, आज डिक्लेयर करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप एवरीडे डिक्लेयर करेंगे, रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने लिखने और नोट करने। हालेलुया, ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई है घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये दो चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर, आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा, 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा हूं, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा। मैंने कहा तैयार हो जाओ यीशु मसीह का आत्मा का फल लाने के लिए। ओ आमीन ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो जोर से, आंख हाथों को उठा के हालेलुया। आमीन, आमीन।
आप तैयार है क्या? आप रोज वचन डिक्लेयर करेंगे। प्रार्थना करना एक अलग चीज है और वचन डिक्लेयर करना उठते सार और सोते सार, आप ये दो काम करेंगे एवरी डे। आपको 6 महीने 1% फर्क ना लगे, 7वें महीने आप 100% चेंज होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, सिर्फ आंखों से देख के या महसूस करके, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है जो महसूस नहीं होता। अगर आज मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा बीज वो ऐसा पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, आप मान जाओगे? आप बोलोगे नहीं। अगर एक बच्चे को बोल दूं जिसने अभी कुछ नहीं देखा कि ये वाला जो बीज है ना, ये वो पेड़ है, बोलेगा नहीं गलत बोल रहे हो। उसी तरह आप बच्चे हो स्पिरिट में, लेकिन जो आत्मा के बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये बीज नहीं, ये वो पेड़ है। बस मुझे धैर्य रखना है, पानी टाइम पे देना है, इसकी केयर करनी और धैर्य रखना है, ये उस वही पेड़ बनने वाला है। अगर उस पेड़ को बड़ा होने तक पंगे लोगे, पाप में जाओगे, खुदा को परखोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो आपकी गलती आप खुद भुगतोगे। परमेश्वर ने कहा जो चीजें आप घोषित नहीं कर सकते आप उसे पा भी नहीं सकते। आपको घोषणा करनी है सुबह, आप जब बाइबल पढ़ते हो आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो आपके लिए, आप उसे साइड पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, साइड पे कॉपी पे लिख लो। जैसे ही रात को सोने लगोगे आप वो वचन पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे और सो जाओगे। सुबह उठोगे डिक्लेयर करोगे, उसके बाद कोई काम करोगे। पर्सनल प्रार्थना भी उसके बाद शुरू करोगे, पहले वो 10-12-15 वचन जितने आपको लगता है मुझे घोषित करने हैं मेरी लाइफ के मुताबिक, केसेस के मुताबिक आपको वो करने हैं। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हो, आमीन। ऊंचा चाहिए, मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया, हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत के नमक हैं, हम अपनी घोषणाओं का प्रोडक्ट हैं, हम अपनी घोषणाओं का फल है। आप जानते क्रिश्चियन लोगों की घोषणाएं क्या है? आये दुष्ट आत्मा 20 साल तो जा नहीं रही, ये उनकी घोषणा है। इमेजिन करो उनकी घोषणा कैसी है। हाय जादू टूना कर जाते ने लोग साडे ते, ता ही नहीं साडा विआह हुंदा, ये उनकी घोषणा देखो। और अपनी घोषणाओं के तुम क्या हो? फल। तुम अपनी घोषणाओं के क्या हो? बोलो पड़ोसी को, तुम अपनी घोषणाओं के फल हो, बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो, बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के प्रोडक्ट हो, बोलो। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा फ्यूचर निर्धारित करेगी। हमारी घोषणा क्या है? हाय दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, बहुत बड़ी है, पापे ने छड़ी सी, ये घोषणा है हमारी क्रिश्चियन लोगों की। 10 साल हो गए चर्च आते, घोषणा देखो। और अगर आपकी घोषणा रॉन्ग है, यीशु मसीह भी आपको बचा नहीं सकते। मालूम है, पता है क्यों नहीं बचा सकते? यहां पे देखो लुका 10 उसके 17-19, वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है इस वचन के खिलाफ? अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं नहीं, जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी, निश्चय गिनती 23:23, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल पर कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता,
याकूब और इज़राइल के विषय यह कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। यह किसकी आवाज है? परमेश्वर। अगर कोई दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको मालूम याकूब कौन है? आप याकूब हो, क्योंकि याकूब अब्राहम की संतान है। आप कौन हो? अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए, ताकि आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़ के आशीष ले सके। पर आज अगर मैं अभी खड़ा कर दूं कि चलो आओ दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिश्चियन लोग खड़े हो जाए, पता है क्यों? वो धोखे में। पढ़ेंगे इसको, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब ये एक 100% वायदा है खुदा का कि ये काम तेरी लाइफ पर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह को मानने के बाद भी, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र मुझ पे नहीं चल सकता। देखो दुष्ट आत्मा मेरे वश में, किसी चीज से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो रोज बोल के सोएगा, मेरी मैरिज लाइफ पे इसका नुकसान नहीं होगा, मेरे शरीर पर इसका नुकसान नहीं होगा, अगर सिर दर्द कर रहे हैं मेरे सिर पे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान सिर दर्द को बढ़ा दे चाहे, पर वो 2-4 दिन बढ़ा सकता है, उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी घोषणा क्या है? आप जानते हैं, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए। अगर उनका बिजनेस सही भी चल रहा हो, पूछो कैसे चल रहा है, ठीक है यार इतना वधिया निकल, ताकि कोई पैसे ना मांग लवे, मम्मी उधार ना मांग लवे, कह ही ना दे काका चीज लाया। इस चक्कर में अपने मुंह से गलत घोषणा करते, और जब घोषणा गलत हो जाएगी तो आप अपनी घोषणाओं के फल हो। गलत करोगे गलत रिजल्ट, सही करोगे सही रिजल्ट। लिखा, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना याकूब पर चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कहता कैसे देखो? कहता अपनी स्पिरिचुअल आई से, चाचा, चाचा का मतलब देखना, अपनी स्पिरिचुअल आई से, अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता। पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है। शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिर दर्द शुरू होगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है। और जैसे आपको मालूम होगा बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ेंगे लूकास 10:17-19, वो 70 आनंद से कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। 19 शायद सीधा पढ़ेंगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, बचने का के रोंदने का। देखो बचना होता है कि आप गली में गए, कुत्ते से बचे, भागे, आइए ये करके घर चढ़ गए, ये होता है बचना। रोंदना होता है सोटी पकड़ी और मारी उसको और रोंद दिया। परमेश्वर कहता है मैं रोंदने का अधिकार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, आधी अधूरी के सारी। अगर वो घर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स लेके आया है, सिर दर्द है, मैरिज नहीं हो रही, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो सारी जाएंगी कि 9 जाएंगी? अब प्रॉब्लम ये है, मुझे अंगीकार करना है रोज सुबह उठ के, रोज शाम सोते वक्त, कि उसने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, मेरे फाइनेंस को नुकसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? और ये वर्ड्स होंगे जो आपको बनाएंगे, ये वो वर्ड्स होंगे जो एक बीज आपकी लाइफ पर रिलीज कर देंगे, और इन्हीं शब्दों का फल आप खाने वाले होली स्पिरिट कह रहे हैं मुझको।
मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैंने कहा इन शब्दों का फल आप खाने वाले हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप इन्हीं शब्दों के फल खाओगे। होली स्पिरिट मुझसे कह रहे क्लियरली आप लोगों के लिए, आमीन। आप रात को सो रहे हो, आपको मालूम है आपकी लाइफ में ये गलत काम चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको हरास कर रहा है, आपकी गलत बात कर रहा है बिना किसी बात के। हम रोमियो 8 उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रेम करने का मतलब उसकी सेवा करना, हाँ, और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप जानते नहीं जिस पेन से आप गुजर रहे हो, और वचन जब आप डिक्लेयर करोगे, घोषित करोगे कि जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, आप देखो क्या होता है, वंडर होंगे आपके लाइफ।